तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए, सोचा राम राम लिख दो, क्योंकि जब जब राम राम लिख दो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। वेल गाइस, फाइनली हुंडई वेन्यू 2022 लॉन्च हो चुके हैं। जिस भी मेरे भाई ने लाइव इवेंट नहीं देखा होगा, उनके लिए एक क्विक सी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें सारी डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को। वैसे आज तो मैं लाइव इवेंट करने वाला था, बट मुझे पता ही नहीं था कि हुंडई वेन्यू लॉन्च होने वाली है, दूसरी गाड़ियों में इतना बिजी हो गया था मैं। खैर, सब छोड़ते हैं ये। हुंडई वेन्यू 2022 जो है फाइनली लॉन्च हो चुकी है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है, बिकॉज उस वीडियो में जो मैं आपको जितनी भी डिटेल्स हैं, क्या कुछ प्राइसिंग है और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं बताऊंगा। और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो, उतना ही आप लोग मेरे लिए कर दीजिए, वही मेरे लिए काफ़ी होगी। नीचे कमेंट भी करते हैं गाड़ी कैसी लगी। और ब्रेज़ा भी जो ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाली है, तो हुंडई ने थोड़ी बहुत बाजी मारते हुए पहले अपनी गाड़ी लॉन्च कर दी, अच्छी बात है। और मैं सोचता हूँ कि मारुति को भी अब जल्दी करनी चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स अगर इतनी तेज तेज भाग रहे हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा सा तेज भागना चाहिए। खैर, ये सब छोड़ते हैं, आज की वीडियो जो है हुंडई वेन्यू 2022 पे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल गाइस, फाइनली वेट ओवर हो चुका है एंड अपनी हुंडई वेन्यू 2022 जो फेसलिफ्ट है वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक गाड़ी का पूरा लाइव नहीं देखा होगा, तो मैं इस वीडियो में आपको क्विकली सारी चीज़ें बता दूंगा कि गाड़ी जो है क्या कुछ चीज़ों के साथ आपको दिखने वाली है। ये जो आपको सामने चलता दिख रहा है, दिस इज़ द ऑफिशियल TVC, एंड TVC से मेरा मतलब है ये कि TVC शूट है, एंड ऑलरेडी कई बार फोटोज़ लीक हुई हैं, वो मोस्टली इसी में से हुई हैं। तो TVC में क्विकली आपको तो पता चलेगा होगा गाड़ी में क्या कुछ चीज़ें आने वाली हैं। बट अब चलते हैं हम डिटेल की तरफ, और सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि प्राइस बताएंगे आपको कि क्या कुछ रहने वाला है प्राइस, बिकॉज वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो बात करें हुंडई वेन्यू 2022 फेसलिफ्ट के प्राइस की। फिर गाइस, यहाँ से मैं अगर गाड़ी की प्राइस की बात करूं, तो जो बेस वेरिएंट है गाड़ी का, यानी कि कापा 1.2 MPL पेट्रोल के साथ आएगा फाइन वैल्यू ट्रांसमिशन में, ई वेरिएंट रहेगा अपना हुंडई वेन्यू 2022 का, वो 7,53,000 यानी कि 7,53,000 का आप लोगों को पड़ेगा। वहीं पे जो अपना कापा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में का, IMT है बेसिकली, एस ऑप्शनल रखा गया एंड उसका प्राइस जो आपको 9,99,000 के आसपास रखेगा। वहीं पर डीजल जो प्राइस है वो भी सेम रखा गया एस प्लस वेरियंट में 9.99 लैक्स। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सारे जो प्राइसेस हैं ये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं, तो वो डिपेंड करेंगे आपके कि आप कहां पे परचेज कर रहे हैं। बट देखा जाए कुल मिलाकर यार, प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रखी गई है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रखी गई है। साथ ही साथ अगर आपको ड्यूल टोन एक्सटीरियर भी चाहिए, तो आप 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर ड्यूल टोन एक्सटीरियर भी ले सकते हैं फॉर द हुंडई वेन्यू 2022। तो नो डाउट यार, प्राइसिंग जो है काफ़ी अच्छी लगेगी। अब ये देखते हैं कि ब्रेज़ा क्या प्राइसिंग में आती है, बिकॉज ब्रेज़ा अगर महंगी आई तो नो डाउट कि वेन्यू जो है काफ़ी सारे कस्टमर। वेल गाइस, जो गाड़ी है उसमें आपको कलर ऑप्शंस की मैं बात करूँ, तो पोलर व्हाइट, टाइफून सिल्वर, टाइटन ग्रे, फेरी रेड, डेनिम ब्लू, फैंटम ब्लैक एंड फेरी रेड ड्यूल टोन भी जो है मिलने वाले हैं। जैसे गाइस मैंने पहले ही बताया था कि इनकेस अगर आप ड्यूल टोन चाहते हैं तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उसके बाद जो अपनी गाड़ी है उसमें ड्यूल टोन कलर्स ले सकते हैं। कलर ऑप्शंस की मैं बात करूँ, तो नो डाउट काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ कलर ऑप्शंस रखी है यहाँ पे हुंडई वेन्यू ने अब की बार, और पिछले वाले में भी थे ऑप्शंस, बट यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा एक दो शेड्स अलग बदल करके थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। अगर हम रियल टाइम लुक्स की बात करें कि गाड़ी कैसी कुछ दिख रही है, वेल गाइस, रेड कलर की अगर हम बात करें, तो रेड कलर आपको हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ बैक प्रोफाइल में नो डाउट यार, बैक प्रोफाइल जो कि यार वेन्यू ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रखी गई है। वहाँ पे ग्रे कलर की मैं बात करूँ, तो साइड प्रोफाइल ग्रे कलर की आपको ऐसी लगी, पर्सनली सेइंग नाडो ग्रे टाइप जो कलर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है, एंड इसमें जो टेल लाइट्स होंगी वो रेड काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। व्हाइट की हम लोग बात करें, तो ये डे टाइम आप लोग देख सकते हो कि रोड पर जो गाड़ी खड़ी है उसके आज सच लुक्स आपको कुछ देखने को मिलने वाले हैं, एंड नो डाउट रोड पर आने के बाद आप लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे गाड़ी फेसलिफ्ट है या फिर पुराने वाला हुंडई वेन्यू का मॉडल है। हाँ, एज सच जो आपको कुछ गाड़ी देखने को मिलेगी बैक से रियर से। तो यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट कलर्स हैं वो मैंने आपको दिखाई दिए थे, कई सारे कलर्स हैं वो थोड़े दिन बाद रिवील होंगे। बल्कि इस बात करें हम लोग सेफ्टी की, तो हुंडई को फाइनली समझ आ गया कि सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन मार्केट में, उसी के साथ साथ इन लोगों ने 30+ एडवांस सेफ्टी फीचर्स अब की बार आपको गाड़ी में दे दिए हैं। अब 30+ एडवांस फीचर्स आ चुके हैं गाड़ी में, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है ग्लोबल एनकैप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छा खासा स्कोर करने वाली है। उन सबको हटाते हुए मैं मेन फीचर्स की आपको बात बता दूँ, तो 6 एयरबैग जो है आपके बार आपको गाड़ी में देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ TPMS जैसे फीचर्स, ABS, EBD सारे फीचर्स हैं ये स्टैंडर्ड ही रखे जाएंगे फ्रॉम द बेस एंड वेरियंट ओनली, बिकॉज नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से कंपनीज को ये सब चेंजेस अपनी गाड़ियों में करने पड़ रहे हैं।
वेल गाइस, अंदर की तरफ चले तो इस चीज़ को काफ़ी दिन से जो है हुंडई फ्लॉन्ट कर रही थी कि हमारी गाड़ी जो है नेक्स्ट लेवल कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। तो गाड़ी में आपको 60 प्लस जो है कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे, जैसे ब्लू लिंक कनेक्ट, एलेक्सा, यानी कि आप कहीं पे बैठे बैठे अपनी गाड़ी को अपनी घड़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि एलेक्सा टर्न ऑन माई कार AC, ऐसे सारे फीचर्स जो हैं आपको गाड़ी में मिल जाएंगे। तो कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो हुंडई की जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड ठीक है, वेन्यू में कुछ सारे चेंजेस जो हैं इंप्रूव करे गए हैं। एंड अगर हम बात करें एडवांस कार की, तो नो डाउट टेक्नोलॉजी वाइज तो काफ़ी एडवांस हो ही चुकी है। उसके बाद अगर हम लोग वापस चलें हाईटेक कन्वीनियंस की तरफ, तो गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, वायरलेस फोन चार्जर मिलेगा, ऑटो हेल्दी एयर प्योरीफायर मिलेगा। हालांकि इस चीज़ पे काफ़ी लोग मीम भी बनाते हैं हुंडई का कि है ये लोग सिर्फ एयर प्योरीफायर देकर गाड़ी को सेफ बना देंगे, बट देन ठीक है, एयर बैग्स नहीं है तो ये सब चीज़ें हम नहीं रख सकते। पावर ड्राइवर सीट दी गई है 4-way, तो ये चीज़ अच्छी है कि यार ड्राइवर को अब वो खच 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 करके जो आप लोग उठाते थे हाथ से मैनुअली करते थे, वो सब चीज़ों वाला सरदर्द नहीं पालना पड़ेगा। एंड ड्राइवर पावर ड्राइवर सीट दे दी है, तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये भी चीज़। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें स्पेस एंड कंफर्ट की, तो गाड़ी में पीछे की तरफ भी जो है आपको रिक्लाइनर सीट मिलने वाली हैं। तो कंफर्ट के मामले में हुंडई पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, एंड अब की बार ये सब चेंजेस जो है उनने देखे और भी ज़्यादा गाड़ी को अच्छा कर दिया। एक्सेप्शनल थाई सपोर्ट बताते हैं वो लोग कि लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली लॉन्ग ड्राइव में, लॉन्ग जर्नी में भी। स्कूप शेप फ्रंट एंड बैक सीट मिलने वाली है। अब स्कूप शेप का क्या रहता है कि कंफर्ट जो है गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नो डाउट फ्रंट वालों को तो काफ़ी मिलता ही मिलता है, बट जो बैक वाले हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो देखो हुंडई वेन्यू 2022 की मैं बात करूँ तो गाड़ी जो है नो डाउट एक जिसको हम फेसलिफ्ट बोलते हैं वैसा ही कुछ हम इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड वैसी ही आई भी है ये गाड़ी। प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है गाड़ी में, बट यहाँ पे मैं बोलूँगा न्यू जनरेशन नहीं है ये गाड़ी, दिस इज़ अ फेसलिफ्ट। फेसलिफ्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वैसा ही कुछ है ये, न्यू जनरेशन नहीं है। न्यू जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ नॉट अ न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू, दिस इज़ अ फेसलिफ्ट। वेल गाइस, यहाँ से हमारी हुंडई वेन्यू 2020 फेसलिफ्ट लॉन्च हो ही चुकी है। अब लोग कई सारे हैं जो वेट करेंगे ब्रेजा का। तो गाइस, मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो डाली थी ब्रेजा 2022 पे भी, तो आप लोगों को देखनी है जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने गाड़ी के रियर के फ्रंट के लुक सारे कुछ दिखा दिए। तो गाइस देखो, मैं सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोलता हूँ, अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं एक गाड़ी जिसमें टोटली न्यू जनरेशन हो, टोटली गाड़ी मतलब उसमें काफ़ी सारा फीचर्स हो, तो भाई आप लोग जाएं ब्रेजा के साथ, क्योंकि वो गाड़ी न्यू जनरेशन है। यहीं पर बात करूँगा वेन्यू की, तो गाइस वेन्यू सिर्फ एक ऐसी गाड़ी है जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस अभी कर दिए हैं। रियर में एच शेप्ड आपको टेल लैंप मिल जाएगा, एंड अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको एक फेसलिफ्ट बनाया गया है, तो वो न्यू जनरेशन नहीं है। तो ब्रेजा का भी वेट कर लीजिए, अभी कुछ ही दिनों में गाड़ी लॉन्च होने वाली है, तो इतनी जल्दी में आप लोग गाड़ी मत लीजिएगा वेन्यू। लेट्स सी प्राइसिंग क्या कुछ रखती है, बिकॉज मारुति भी एग्रेसिव प्राइस रखेगी ये वेन्यू के लॉन्च होने के बाद। तो चलिए, लेट्स वेट फॉर ब्रेजा 2022 एंड फिर देखेंगे वेन्यू 2022 सही है या ब्रेजा 2022। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा हुंडई वेन्यू 2022 के बारे में सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं। तो फाइनली गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, एंड देखो कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी। कई चीज़ों में गाड़ी अच्छी है, कई चीज़ों में गाड़ी ख़राब है, तो ये सारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव्स थे एस्पेक्ट्स थे मैंने आपको इस गाड़ी में बता दिए हैं। एंड मतलब ये तो एक क्विकसी वीडियो थी, शोरूम पे जाके भी आई विल शूट, और शोरूम से मैंने स्टार्ट हो चुकी है, तो जैसा भी होगा आप लोग दिख जाएगा। खैर गाइस, आज की वीडियो इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बना मच जाएगा। मिलेंगे हम लोग आपसे ऐसी।